पेरिस ओलंपिक में भले ही भारत की रेसलर विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन हरियाणा की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में क्वालिफाई कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के योगेश बैरागी को 6015 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक उनका सफर एक तरफा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान वह कई बार आगे पीछे होती रही, लेकिन अंततः जीत उनकी झोली में आ ही गई। जुलाना विधानसभा सीट पर उन्हें कुल 6,05,080 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी योगेश बैरागी को 5,09,065 वोट मिले हैं। जीत के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि ये उस हर लड़की और महिला की जीत है जो संघर्ष का रास्ता चुनती है। आज सच्चाई की जीत हुई, लोगों ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया है, पूरे विधानसभा के लोगों का प्यार मिला। सभी क्षेत्रों के लिए काम करूंगी, जितना हो सकेगा स्पोर्ट्स के लिए भी काम करूंगी। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखिए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं चाहे नौजवान है, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। चलिए आपको बताते हैं कि महज 2 महीने में विनेश फोगाट रेसलर से राजनेता कैसे बनी। इसकी कहानी भी उनकी जीत की तरह ही काफी रोचक है। बता दें कि विनेश फोगाट 7 अगस्त को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई थी। वजह थी, उनका मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, ऐसे में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके लिए फैंस की भावनाएं खूब देखने को मिली। हर कोई विनेश के साथ खड़ा नजर आ रहा था। वहीं जब कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स एट्रीब्यूशन ने आखिरी उम्मीद टूटने के बाद विनेश भारत लौटी, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एक तरह से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते हुए राजनीतिक सफर की शुरुआत का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई विनेश को जुलाना विधानसभा की जनता ने अपने प्यार देकर सफल राजनेता और विधायक बनने में क्वालिफाई कर दिया है।